हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है रुस्तम। ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड स्टोरी है जो 1959 में बॉम्बे में रहने वाले इंडियन नेवी ऑफिसर कमांडर रुस्तम पावरी की है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है INS मैसूर से, जिसके कमांडर थे रुस्तम पावरी। 6 महीने की लॉन्ग ड्यूटी करके वो घर वापस आ रहे थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ महीनों पहले एक पार्टी में रुस्तम की सिंध्या के साथ मुलाकात हुई थी और रुस्तम सिंध्या को देखते ही उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, जिसके बाद उसने उसे प्रपोज कर दिया। सिंध्या ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो गई और शादी करके वो दोनों मुंबई चले आए। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद रुस्तम को 6 महीने के लिए शिप पर जाना पड़ा। इसीलिए रुस्तम सिंध्या से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो जाते वक्त वो फ्लावर्स लेकर घर पहुंच जाता है, लेकिन घर पर उनकी मेड थी सिंध्या कहीं बाहर चली गई थी। इसीलिए रुस्तम सिंध्या की फ्रेंड प्रीति को कॉल करके पूछता है, लेकिन वो कहती है कि वो उसके साथ नहीं है। इनफैक्ट कई दिनों से वो उससे मिलने भी नहीं गई थी। तो ये सुनकर रुस्तम को थोड़ा सा डाउट आता है। तभी उसे सिंध्या के रूम में एक बुके दिखाई देता है, जिसके बाद रुस्तम सिंध्या की अलमारी चेक करने लगता है जिसमें उसे कुछ लेटर्स मिलते हैं। यहाँ पर रुस्तम को पता चल जाता है कि उसकी बीवी सिंध्या का उसके दोस्त विक्रम के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए रुस्तम विक्रम के घर पे कॉल करता है। तब उसका सर्वेंट कहता है कि विक्रम बाबा घर पर नहीं है, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई नहीं थी। इसीलिए रुस्तम अपनी कार लेकर विक्रम के घर पर चला जाता है। तब वो देखता है कि सिंध्या और विक्रम अपने बालकनी में खड़े थे। तो ये देख के रुस्तम को यकीन हो जाता है कि इन दोनों का सच में अफेयर चल रहा है। इसीलिए घर पर आकर वो खूब ड्रिंक करता है और नशे की हालत में सारे फोटो फ्रेम्स तोड़ देता है। फिर अगले दिन जब सिंध्या आती है, तब रुस्तम विक्रम के लव लेटर से कुछ लाइनें उसे सुनाता है। तो रुस्तम को देख के सिंध्या शॉक थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन इस पर यू कैनॉट। कहके रुस्तम वहां से अपने ऑफिस चला जाता है। वहां से वो एक रिवॉल्वर पिक करता है, जिसके बाद वो विक्रम के इंपीरियल मोटर्स के शोरूम पर जाता है। लेकिन वहां पर उसकी रिसेप्शनिस्ट रोजी बताती है कि अभी तक सर नहीं आए हैं। तो रुस्तम रोजी की खूबसूरती की तारीफ करके विक्रम के घर पर चला जाता है। वहां पे उसका सर्वेंट डोर ओपन करता है। रुस्तम और बहना भाई की पहचान होने के कारण रुस्तम सीधा विक्रम के रूम में चला जाता है और बहना भाई रुस्तम के लिए नाश्ता बना रहे थे। तभी उन्हें 3 गोलियां फायर होने की आवाज आती है, जिसके बाद वो भागते हुए विक्रम के रूम में चले जाते हैं। वहां से रुस्तम निकलकर सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां पे मौजूद थे CID ऑफिसर विंसेंट लोबो। उनके पास जाकर रुस्तम सारी सच्चाई बताकर सरेंडर हो जाता है। फिर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने विक्रम के घर पर जाते हैं। ये बात जब उसकी बहन प्रीति को पता चलती है तो वो भागते हुए घर पर चली आती है। वो किसी की कुछ सुने बगैर विक्रम के रूम में घुस जाती है और वहां के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लोबो पर चिल्लाने लगती है, लेकिन लोबो साहब उसे सुनाकर वहां से निकाल देते हैं। इधर पुलिस कांस्टेबल तुका एक न्यूज़पेपर के एडिटर पब्लिशर इरिज बिलिमोरिया को कॉल करके विक्रम माखीजा के मर्डर के बारे में बताता है। तो ये सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है, अपनी सारी प्रिंटिंग रोक कर ये न्यूज छाप देता है। इधर सिंध्या भी रुस्तम से मिलने पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन पूरा दिन रुकने के बावजूद भी रुस्तम सिंध्या से नहीं मिलता। अगले दिन इरिज का ट्रुथ न्यूज़पेपर खूब बिकता है। तो वो अपने पारसी कम्युनिटी के एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम था JJ साहब, उनसे मिलने जाता है और वहां पे वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि रुस्तम को भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए, तो क्यों ना हम उसे एक अच्छा लॉयर दिलवा दे, क्योंकि प्रीति ने सिंधी कम्युनिटी का सबसे बड़ा लॉयर लक्ष्मण को हायर किया था। इस पर JJ साहब भी मान जाते हैं। पारसी कम्युनिटी का होने के कारण वो भी चाहते थे कि रुस्तम को कम से कम सजा हो। इसके बाद अगले दिन कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होती है। तब नेवी ऑफिसर चाहते थे कि रुस्तम को नेवी के कस्टडी में रखा जाए, क्योंकि वो एक डेकोरेटेड ऑफिसर है। लेकिन यहाँ पर रुस्तम खुद कहता है कि उसे पुलिस कस्टडी में रहना है। नेवी वाले उसे काफी फोर्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन पे अड़ा रहता है। उनकी बातों से हमें लग रहा था कि शायद नेवी की कुछ बातें रुस्तम जानता था, इसीलिए वो लोग उसे अपनी कस्टडी में रखना चाहते थे। लेकिन फाइनली रुस्तम को पुलिस कस्टडी में ही रखा जाता है। इसके बाद लोबो साहब अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो एक एक करके सबके साथ इंटरोगेशन के बाद उन्हें सारी कहानी पता चलती है। फिर लोबो साहब रुस्तम को विक्रम के बारे में पूछते हैं
तब हमें पता चलता है कि 1.5 साल पहले रुस्तम और सिंथिया एडमिरल कामत के पार्टी में विक्रम से मिले थे और यहीं पे विक्रम और प्रीति की सिंथिया के साथ दोस्ती हो गई थी। इसके बाद रुस्तम कुछ दिनों के लिए लंदन चला गया था, जिसके बाद उसकी पोस्टिंग INS मैसूर पर हुई थी, जो 6 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा था। और वहीं से आने के बाद उसे सिंथिया के अफेयर के बारे में पता चला था। तो यहाँ पे लोबो साहब उसे लंदन क्यों गए थे ये पूछते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के कारण वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करता। इसके बाद इरिच बिलिमोरिया एक हाई प्रोफाइल एडवोकेट को लेकर आता है, लेकिन यहाँ पे रुस्तम कहता है कि ये तो ओपन एंड शट केस है और ये केस वो उन्हें देने से इनकार करता है। वो इरिच को भी वार्न करता है कि वाइफ के खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में ना छापे। इसलिए इरिच सिंथिया से मिलने उसके घर पे जाता है और वहां पे सिंथिया रुस्तम को बचाने के लिए इरिच की बातें मान लेती है। इरिच के जाने के बाद दो गुंडे सिंथिया के घर में घुस जाते हैं और वो हर जगह तलाशी ले रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ चीज नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी, इसीलिए वो वहां से चले गए। इसके बाद सिंथिया रुस्तम से मिलने कस्टडी जाती है और इस बार रुस्तम सिंथिया से बात करता है। यहाँ पे सिंथिया रुस्तम को INS विक्रांत पर जाने के बाद की सारी कहानी बताती है। तो रुस्तम के जाने के बाद सिंथिया बहुत ही अकेली पड़ गई थी, फिर उसकी प्रीति के साथ दोस्ती हो गई और वो उसके साथ पार्टीज में जाने लगी। फिर प्रीति के साथ विक्रम भी आने लगा, तो सिंथिया की विक्रम के साथ भी दोस्ती हो गई। इसके बाद तीनों मिलकर रेस कोर्स जाने लगे, गोल्फ कोर्स पर गोल्फ खेलने लगे, तो इस तरह से उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। सिंथिया का भी अकेलापन कम हो रहा था, इसीलिए वो भी उनकी कंपनी एंजॉय कर रही थी। एक दिन सिंथिया का बर्थडे था तो प्रीति ने उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन बर्थडे पार्टी से वो कोई बहाना बनाकर चली जाती है और सिंथिया विक्रम और उसके दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है। और यहाँ पे विक्रम उसे एक एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट करता है। पहले सिंथिया उसे एक्सेप्ट करने से मना करती है, लेकिन विक्रम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे पटा ही लेता है। इसके बाद विक्रम और सिंथिया डेट पे जाने लगे। गोल्फ खेलते टाइम विक्रम सिंथिया को टच करता है, लेकिन इस बात को सिंथिया इतनी सीरियसली नहीं लेती। फिर एक दिन जब सिंथिया और विक्रम विक्रम के घर पे अकेले थे, तभी बारिश आ जाती है। इसी बीच सिंथिया के पाँव में मोच आ जाती है। यही पे उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। यही पे सिंथिया अपना कंट्रोल खो बैठती है और विक्रम की तरफ अट्रैक्ट होती है और पहली बार विक्रम और सिंथिया यहाँ पे इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद विक्रम पूछता है कि वो चोर घर से क्या ले गए, लेकिन इस पर सिंथिया कहती है कि वो कुछ ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें कुछ मिला नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है नेवी ऑफिस में, जहाँ पे एडमिरल कामत अपने दो असिस्टेंट के साथ बात कर रहे थे कि पता नहीं ये रुस्तम ने वो रिपोर्ट कहाँ पे रखी है। इसके बाद कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होती है और इधर इरिच रुस्तम और सिंथिया के बारे में कुछ ऐसा लिख रहा था ताकि लोगों के दिल में उसके बारे में सिंपति आए, और विक्रम को वो एज अ विलन पोर्ट्रे कर रहा था। एक दिन एडमिरल कामत सिंथिया को डिनर पे इनवाइट करते हैं और वहाँ पे वो उसे उस शिप के डॉक्यूमेंट्स के लिए 10 लाख ऑफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंथिया रुस्तम का मैसेज उस तक पहुँचाती है। उसमें लिखा था कि 5 करोड़ रुपए इस स्विस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, और वो उन्हें वार्न भी करता है कि अगर फिर से ऐसे गुंडे घर पर भेजे तो ये रकम दुगनी हो सकती है। ऐसा कह के सिंथिया वहां से एटीट्यूड में निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर लोबो इस केस को बहुत ही बारीकी से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी उन्हें एक बात पता चलती है कि नेवी से गन रिसीव करने के बाद विक्रम माखीजा के इंपीरियल मोटर्स तक जाने का रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन उसी बीच रुस्तम को 45 मिनट से ज्यादा लगा है। इसका मतलब इसके बीच रुस्तम कहीं पे गया था। पॉकेट चेक करने पर उन्हें पोस्ट के 2 टिकट्स मिलते हैं और वहां पर जाने के बाद हमें पता चलता है कि रुस्तम दिल्ली के डिफेंस मिनिस्टर बख्शी को वहां पे कॉल किया था, इसीलिए मिस्टर लोबो इस केस की आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। इधर कोर्ट में हियरिंग स्टार्ट होती है तो रुस्तम ने वकील ना लेते हुए खुद ही ये केस लड़ने का डिसीजन ले लिया था। तब जज के साथ साथ 9 जूरी मेंबर्स भी थे जिनके बहुमत के बेसिस पर ही डिसीजन लिया जाता था कि क्रिमिनल को सजा होगी या नहीं। आगे हियरिंग में सबसे पहले पोस्टमार्टम के डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो बताता है कि विक्रम की मौत दिल में 3 गोलियां लगने से हुई है। इसके बाद इंपीरियल मोटर्स की रिसेप्शनिस्ट रोजी को बुलाया जाता है, तब वो बताती है कि रुस्तम जब ऑफिस पर आए थे तो उनके सर पे खून सवार था, वो किसी तरह से विक्रम को मारने के लिए आए थे, लेकिन उस दिन रुस्तम ने रोजी को कॉम्प्लीमेंट किया था तो उसी के बेसिस पर रुस्तम उसे रॉन्ग प्रूव करता है। इसके बाद विक्रम के एम्प्लॉय भाना भाई को कटघरे में बुलाया जाता है
वो बताते हैं कि विक्रम का नाश्ता लेकर जब वो उसके रूम में आए थे तब रुस्तम ने उनके आंखों के सामने ही विक्रम को मारा था। लेकिन इसको रुस्तम रॉन्ग प्रूफ करता है क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उन फोटोज में क्लियरली मेंशन था कि विक्रम का नाश्ता उस वक्त उसके रूम में था। यहाँ पे बहाना भाई भी अपनी झूठी गवाही कबूल कर लेते हैं। उन्हें जानबूझकर ऐसा कहने के लिए कहा गया था। फिर अगले दिन कोर्ट हियरिंग के पहले एंड्रिज ने पेपर में छाप दिया था कि सिंथिया ने विक्रम का बच्चा अबॉर्ट किया है और ये न्यूज़पेपर एंड्रिज सारे जूरी मेंबर्स और जज को भी देता है। लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण और ये पेपर जूरी मेंबर्स को देने के लिए एंड्रिज को सजा होती है और वो एक दिन के लिए जेल में चला जाता है। आज रुस्तम की मेड जमुना बाई को कटघरे में बुलाया जाता है तो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि जो आदमी देश की सेवा के लिए 6 महीने बोर्ड पर जाता है और उसकी बीवी के साथ अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे मारना ही चाहिए। वो जज से पूछती है कि अगर आपको पता चले कि आपके वाइफ का अफेयर ये वकील के साथ चालू है तो आपको कैसा लगेगा। तो जज से ऐसा सवाल पूछने के लिए जमुना बाई को एक दिन की सजा होती है। ये सीन देखने में बहुत ही कॉमेडी है। इसके बाद सिंथिया को कटघरे में बुलाया जाता है। यहाँ पे सिंथिया जो कुछ भी अभी तक स्टोरी हुई थी वो बताती है और उसके बाद हमें आगे का पता चलता है कि विक्रम के लव लेटर से सिंथिया तंग आ चुकी थी और उससे बात करने वो उसके घर पे गई थी। लेकिन वहां पे विक्रम उसके साथ फिजिकल होना चाहता था लेकिन सिंथिया ने मना कर दिया। इसीलिए उसने एक जोरदार चाटा मारा और कहा, तुम्हारे पति से बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, अब जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात सुन के सिंथिया बहुत ही हर्ट होती है। वो पूरी रात मरीन ड्राइव पे बैठकर रोती है और अगले दिन जब वो घर पर आती है तो रुस्तम उसके सामने था। इसके बाद कटघरे में प्रीति को बुलाया जाता है। वो बताती है कि विक्रम के पास लाइसेंस गन है और विक्रम ने सिंथिया को जो लेटर्स लिखे थे उनके कुछ पैराग्राफ्स रुस्तम प्रीति को वहां पे पढ़ने के लिए कहता है ताकि लोगों को पता चले कि विक्रम की सोच कितनी घटिया है। वो सिंथिया से कह रहा था कि रुस्तम ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया रहता है, उसके कई सारे अफेयर्स होते रहेंगे, तुम लंदन में पली बड़ी हो, मुझे लगा तुम मॉडर्न ख्यालों वाली होगी, तो एक आदमी की तरह ही एक औरत एक से ज्यादा पार्टनर्स क्यों नहीं रख सकती। इस तरह से विक्रम सिंथिया को मैनिपुलेट करके उसके साथ रिलेशन में रहने के लिए कन्विंस कर रहा था। उधर दिल्ली में मिस्टर लोबो डिफेंस मिनिस्टर बख्शी से मिलते हैं। वहां पे उन्हें रुस्तम और बख्शी की कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है जिसे लेकर वो मुंबई के लिए रवाना होते हैं। इधर मुंबई में कोर्ट की हियरिंग चल रही थी तब एडवोकेट लक्ष्मण रुस्तम से पूछते हैं कि तुमने नेवी ऑफिस से गन क्यों विड्रॉ की। तब रुस्तम जजेस को प्रूफ करवाता है कि विक्रम बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था, बात बात पर वो गन निकाल लेता था, इसीलिए सेल्फ डिफेंस के लिए उसने ये गन रखी थी। और जिस दिन रुस्तम विक्रम से मिलने गया था तब उनके बीच हाथापाई हुई और इसी बीच जब विक्रम ने रुस्तम पर गन तानी तब भी रुस्तम ने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे 3 गोलियां मारी है और ये रुस्तम का रिफ्लेक्स एक्शन है, उन्हें ट्रेनिंग में ऐसे ही सिखाया जाता है। तो इस तरह से रुस्तम ने इस मर्डर को सेल्फ डिफेंस में कन्वर्ट कर ही लिया था। तभी मिस्टर लोबो वो कैसेट लेकर कोर्ट में आ जाते हैं। इसमें विक्रम बख्शी से कह रहा था कि वो विक्रम से मिलने जा रहा है और इस बात को वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहेगा। लेकिन इस पर रुस्तम कहता है कि खत्म करना इसका मतलब मर्डर नहीं होता। इसी के साथ इस केस का इंटरोगेशन खत्म हो जाता है और जूरी मेंबर्स को एक रात डिस्कशन का टाइम दिया जाता है। इधर कोर्ट के बिल्डिंग में जूरीज का डिस्कशन चल ही रहा था तभी उधर कस्टडी में रुस्तम से बात करने मिस्टर लोबो चले जाते हैं और वो रुस्तम से जो असल कहानी है वो पूछते हैं। तब यहाँ पे रुस्तम लंदन जाने का रीजन बताता है। एडमिरल कामत के फंक्शन पर जब विक्रम की रुस्तम के साथ पहचान हुई थी इसीलिए एडमिरल कामत रुस्तम को लंदन भेजते हैं क्योंकि वहाँ इंग्लैंड में एक सड़ा हुआ एयरक्राफ्ट पड़ा था जो इंडियन नेवी को खरीदना था। लेकिन रुस्तम यह सड़ा हुआ जहाज नहीं चाहता था, उसने कुछ चेंजेस बताए थे, अगर वो होंगे उसी के बाद इंडियन नेवी ये एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट करेगी। लेकिन एडमिरल कामत और विक्रम दोनों मिलकर 5 करोड़ का कमीशन खाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग रुस्तम को 10 लाख ऑफर करते हैं। लेकिन इस बात को लेकर रुस्तम डिफेंस मिनिस्टर बख्शी से जाके मिलता है लेकिन वो भी इस स्कैम में मिले हुए थे। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें 20 लाख ऑफर करता हूँ, तुम उस एयरक्राफ्ट की अच्छी रिपोर्ट बना देना। लेकिन रुस्तम ने इस बात से मना कर दिया था, इसीलिए रुस्तम की छुट्टी कैंसिल करके उसे INS मैसूर पर भेज दिया था। और इसी एयरक्राफ्ट डील का बदला लेने के लिए विक्रम ने सिंथिया को फंसाया था।
रुस्तम और बख्शी की जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो भी आधी ही थी। उसके बाद रुस्तम ने कहा था कि उस एयरक्राफ्ट का रिपोर्ट मेरे पास है, अगर वो एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी में आ गया तो मैं तुम्हारा ये स्कैम एक्सपोज कर दूंगा। इसीलिए बख्शी ने रुस्तम इस केस में फंस जाए उतनी ही रिकॉर्डिंग दी थी। अब अगले दिन रिजल्ट था, सबको लग रहा था कि रुस्तम को सजा होगी, लेकिन 8-1 के लीड से रुस्तम को बाइज्जत बरी किया जाता है। ये बहुत ही शॉकिंग था। इसके बाद रुस्तम और सिंथिया अपने हॉलीडेज एंजॉय करने के लिए लंदन चले जाते हैं और इधर मिस्टर लोबो इस एयरक्राफ्ट स्कैम को एक्सपोज कर देते हैं, जहां पे बख्शी अपनी जान दे देता है और एडमिरल कामत को अरेस्ट किया जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये रुस्तम मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।